नमस्कार दोस्तों, देवशयानी एकादशी इस बार 20 जुलाई को पड़ रही है। बता दें कि ये वही एकादशी है जब श्री हरि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक की देव उठानी एकादशी पर ही जागते हैं। इन 4 महीनों को ही चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान पूजा पाठ करने पर 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। चलिए आगे अपने एक्सपर्ट से जानते हैं इस दिन की महत्वता के बारे में। कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और इस हिसाब से एक साल में 24 एकादशी होती है। इनमें आषाढ़ मास की एकादशी तिथि को हमारे शास्त्रों में बहुत अहमियत दी गई है। इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 20 जुलाई को है। आषाढ़ मास की एकादशी तिथियों का हमारे शास्त्रों में खास महत्व है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। 20 जुलाई को जिस दिन मंगलवार है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से चतुर्मास भी शुरू होने जा रहा है। इस एकादशी से भगवान विष्णु विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं और जो हमारी सृष्टि का संचालन है वो देवों के देव महादेव भगवान शिव के हाथों में रहता है। जो देवशयनी एकादशी है उससे चतुर्मास भी शुरू हो जाता है जो 20 जुलाई से लेकर के 14 नवंबर तक रहेगा। और 14 नवंबर तक हिंदू धर्म में शादी विवाह मुंडन और जनेऊ जैसे जो मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित रहेंगे। मांगलिक कार्यों की जो शुरुआत है वो 20 जुलाई के बाद 19 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक कुल 12 दिन जो हैं वो मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त रहेंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि नवंबर महीने में 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर व 29 नवंबर को मांगलिक कार्यों के मुहूर्त रहेंगे, जबकि दिसंबर महीने में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को विवाह के और अन्य मांगलिक कार्यों के मुहूर्त रहेंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो देवशनि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 19 जुलाई को रात 9:59 पर होगा और 20 जुलाई को शाम 7:17 पर जो देवशयनी एकादशी है वो समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी का जो व्रत पारण है वो 21 जुलाई सुबह 5:36 से 8:21 तक रहेगा। मैं कुल्ली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 20 जुलाई को प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पूजा प्रारंभ करें, व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी को चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में पीले रंगों के पुष्पों का प्रयोग करें। भगवान विष्णु जी की आरती उतारें, व्रत के नियमों का पालन करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद आरती करके क्षमा याचना करें, फिर दिन भर व्रत नियमों का पालन करें और अगले दिन व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम विष्णवे नमः और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। चलते चलते कुंडली टीवी के दर्शकों को एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और इस दिन से मांगलिक कार्य वर्जित हो रहे हैं जो 14 नवंबर तक वर्जित रहेंगे। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।